प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उम्मीदवार की तलाश कर रही है। और इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने बातचीत की कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा से। निकाय चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही हैं, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बीच में पीछे हटती नजर आ रही है। हमारे साथ विधायिका आराधना जी हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या वजह है कि जो सारी पार्टियां घोषित कर रही हैं मगर अभी भी कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना कहीं पीछे है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगी कि केवल जो मेरी जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से आई है, समाजवादी पार्टी ने कुछ जगह पे अपने प्रत्याशी अभी घोषित किए हैं, पर भाजपा बसपा कांग्रेस इन्होंने अभी तक अपने और इसके अलावा भी और किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है, हमारे जिले स्तर की जो बैठकें होनी थी वो हो गई हैं, हाँ डिवीजन स्तर की बैठकें हो गई हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राज बब्बर जी को वो सारी जितनी भी नाम की सूची थी वो दे दी गई है। मुझे उम्मीद है कि उस पर मंथन हो रहा है और बहुत जल्दी एक आज से ये कल तक में ये सूची जारी हो जाएगी। मगर कहने को ये नज़र आ रहा है, तमाम कांग्रेसी लीडर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें हमारे पास चेहरों की कमी है, कोई हमें सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है जिससे हम सूची को रिलीज़ कर दें, क्या ये सत्य है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और बात है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं भी एक मंडल की प्रभारी रही हूँ और जो मैंने मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी आज कांग्रेस का टिकट के लिए उम्मीदवार के रूप में उन्होंने आवेदन किया है, और शायद ये भी वजह हो सकती है कि उसमें सबसे अच्छा कौन है इसको देखने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, पर बहुत जल्दी आप सब लोग को ये जानकारी मिल जाएगी, सूची जारी हो जाएगी कांग्रेस की। आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, मगर सत्य ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। रजा अब्बास कैमरामैन विष्णु के साथ, लखनऊ, इंडिया वाइज।